Hi friends, welcome back. तो अभी हम देख रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी अमिताभ बच्चन राम मंदिर। चल वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाटन और आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको मेरा नाम शिखा मिश्रा है हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल वो जय श्री राम सुन के और मूवीज वगैरह देख के तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाए जो प्रभु श्री राम हैं देखिए जो आपने बात कही वो सही बात है मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलन ही होगा तय मान लीजिएगा और इतना ही नहीं धर्माचार्य तो धूर्त होगा इतना ही नहीं प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा वो चतुर महालिंगम होगा करेक्ट और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उधार होगा क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा ठीक और जो बिजनेसमैन बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा वो जिंदगी की दौड़ों पिछड़ता दिखाया जाएगा नहीं। नहीं। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में ये बताइए ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा नहीं। नहीं। हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा हम लोगों के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी पड़ोसन मास्टर पिल्लई एक चतुर नार करके सिंगार वो भी मजाक के पार्ट होंगे और अभी इधर कौन सी फिल्म थी इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं अक्षय कुमार वो कहता की कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा उसका जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा <laughs> श्रीनिवास वेंकटेश फलाना ये देखिए फिल्म ये क्या है उत्तर दक्षिण में लड़ना है करेक्ट लड़ाई करा देंगे हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा कुछ कुछ था।, था बच्चे को किया था ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था और इसमें खुद भी नहीं जानते उनका ऐसा कि उसके टूल बन तो ने तो बहुत कुछ ऐसा तो सब बड़े दिमाग में बैठा दिया गया है अरे भाई हम लोग ही बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी बाबा आ जाएगा झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा और मैं किसी के प्रति अब नहीं करना चाहता मगर एक बात बताइए कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया वही तो इसलिए जान पूछ के आता है आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करैक्टर करेक्टर हाँ, 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 वही मैं बोलूं ना इंडियन पुलिस सोचने की बात है वो कौन सा एक सीरीज है। फिल्म में अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की जिसमें जब उनकी भाभी आती है और या माँ अगर उनको प्रसाद नहीं, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को गरीब का पेट नहीं भर सकता उसी फिल्म में सात का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको सोचिए कैसे, दिमागों कैसे था। दिमाग को तो। में चीजें भरी मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा इस जगत बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए विवेकानंद का साहित्य पढ़िए स्वामी तीर्थ का साहित्य पढ़िए श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए गांधी जी ने जो लिखा है उसको पढ़िए कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कुछ आप विवरण दे रहे थे मैं चाहती हूँ वो दर्शकों तक भी पहुंचे आ, कैसे समय की चाल बदली देखिए हम आपको एक बात ये बताए आप सब ने शनि के साढ़े वर्ड सुना होगा ये साढ़े का मतलब क्या होता है शनि एक राशि पर ढाई साल रहता है और वो इतना शक्तिशाली जिसे ढैया कहते हाँ। हैं आप एक उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक इंपैक्ट रखता है यानी कोई बहुत पावरफुल है न? तो उसका इंपैक्ट एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे तो ढाई 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 साढ़े सात तो कहते हैं ना पहली ढैया दूसरी ढैया तीसरी ढैया बारह राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ बारह इंटू ढाई थर्टी ईयर तो शनि का रोटेशन साइकिल थर्टी ईयर्स है भगवान राम के भी तो साढ़े सात ही लगी थी कहा था बन गए थे तो ढाई साल मतलब तीस साल का रोटेशन साइकिल शनि का है तो हमें हजारों साल से पता था इनको का पता चला अभी सौ दो सौ साल पहले और ये बताते हमको यार हम साइंटिफिक थे तुम नहीं थे मेरे भाई तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और मजे की बात जानते क्या है गैलीलियो ने कहा 1633 में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है यह गलत है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी जेल मौत की सजा दे दी जाएगी उसने हां हां हाँ, मैंने उसको पर... अपराधी चर्च का घोषित किया हुआ था चर्च, चर्च ने। का अपराधी चर्च नहीं और वो चर्च के अपराधी की श्रेणी में जानते कब तक रहा है 1992 तक पोप जॉन पॉल सेकंड ने उसका नाम हटवाया वरना जिस जमाने में स्पेस में सैटेलाइट पहुंच गया आदमी 69 में चांद पहुंच गया और तब तक वो इस बात के लिए दोषी था मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात लिखी हुई है इसे हटाने की आवश्यकता है मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता उसको हटा इस षड्यंत्र को समझना चाहिए बिल्कुल इस षड्यंत्र को दूसरे आप में बोल नहीं सकते तो आपको समझ में आएगा कि जो सभ्यता सर्वाधिक उदार है उसी सभ्यता के साथ सबसे अधिक छल किया जाता है जिसे हम कहना चाहेंगे तो हम कहते थे ना हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम राष्ट्र को है लोग भूले स्वार्थ है युग मंत्र सारा वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा इस अमा के तिमिर को यानी अमा अंधकार तिमिर मतलब अंधकार रात्र के अंधकार को अब अरुणिमा क्या मान ले हम टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। और आगे की लाइन सुनिए वो महत्वपूर्ण है वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम mm. हो गए हैं स्वप्न सब, सब साकार कैसे मान इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा है अमृत काल के जो पांच प्रण हैं उनमें पहला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है दूसरा है गुलामी की मानसिकता mm. के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है और तीसरा है अपनी विरासत पे गर्व करना है इसीलिए गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलिए तो नया भारत दिखेगा जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में अरे वाह एंडिंग जबरदस्ती मजा ही आ गया जैसे उन्होंने बोला है और मैं यही देख रही हूँ कि देखो मोदी जी ने जो सोचा है बहुत दूर का और बहुत मतलब उनको पता है कि क्या करना है वो, मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि सबसे पहले उनका काम ऐसा था कि भैया हर एक इंडियन के दिल में प्राउडनेस लाओ कि हम इंडियन है वो गर्व से कहें कि हम इंडियन है और उन्होंने वो करके दिखाया अब हर इंडियन कहता है हम इंडियन है पहले क्या होता था यार कुछ नहीं होगा ऐसी जिंदगी चलेगी देश ऐसी चलेगा करप्शन होगी लोगों को पैसे खिला के ही काम होगा सब खत्म अब ये क्या है कोई करप्शन नहीं देश में सब मेहनत करेंगे हम आगे बढ़ेंगे पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि अच्छा देश क्या होता है और कैसे मिलजुल कर रहते हैं फिर उन्होंने नहीं उसके बाद फिर उन्होंने लाए प्राउडनेस कि भैया अब अब प्राउड हो कि तुम हिंदू हो ये नहीं कि आप डबके चुपके चुप रहो ये नहीं हर चीज अपनी प्राउडली करो तो वो भी वो उन्होंने अब करके दिखा दिया और साथ में वो वैसे ही उन्होंने देखो सारा जो गुलामी की ये चिन्ह थे उनको हटा दिया अभी उन्होंने बनाया नया पार्लियामेंट और इतना सुंदर बनाया कि वर्ल्ड के लीडर्स को बुला के उनको दिखाया जो देख के वाव कर रहे थे तो है ना भैया देखिए ऐसा होता है कि प्राउड करने के लिए आपको पहले ऐसी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी जो दूरा पूरा वर्ल्ड यूज करे अगर आप ध्यान से ऑब्जेक्टिवली देखे तो आपको क्या नजर आएगा मेजोरिटी ऑफ जो चीजें जो आप यूज करते हैं वो वेस्ट में बनी है hmm. वो आपने नहीं बनाई कोई भी चीज ले लीजिए कंप्यूटर ले लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ले लो कैमरे ले लो इंटरनेट ले लो माइक्रोफोन ले लो इलेक्ट्रिसिटी ले लो बल्ब ले लो आप कुछ भी उठा के देखोगे किताबें देख लो जो किताबें पढ़ते हैं जो मतलब उसमें जितनी भी चीज मेजॉरिटी जो है चीज़ें वेस्ट में आई इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हम हीरो हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने बनाई है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है तो इसीलिए पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च ऐसी चीज़ें निकाली जो वर्ल्ड यूज़ करे जो आप कहें कि ये चीज़ जो है इंडिया बनी थी और पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है तब जाके मेन पॉइंट आएगा और इंडिया पहले बहुत आगे चल रहा था उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया ज़्यादा रिसर्च नहीं की वेपन्स में सोचना चाहिए था कि मैं ऐसे वेपन चाहिए कि कोई भी इंसान हमारे को कभी हरा ना सके उस पर कोई फोकस नहीं था बाहर से लोग आए चाहे वो जितने बारबेरिक थे तुम्हारा तुम तो इतने सोफिस्टिकेटेड हमारी सिविलाइजेशन थी उसमें किसी को रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसे वेपन्स बनाते हैं कोई अंदर भी ना घुस पाए नहीं बनाए आपसी लड़ाई लोग आए पूरा को डिस्ट्रॉय करके कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों का मोरल डिस्ट्रॉय कर दिया कन्वर्जेंस कर दिए इतनी सारे सत्यानाश तहसने इसलिए हुआ इसीलिए मोदी जी फोकस कर रहे हैं कि डिफेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए अभी मिस्टर मैक्रो जब आए थे तो उनके साथ जो है डील हो रही है कि कैसे डिफेंस का इक्विपमेंट वेपन्स बनेंगे विद विद फ्रांस इन इंडिया और इंडिया में वेपन्स बनेंगे फ्रांस के कोलाबरेशन के साथ तो मोदी जी को आप कह सकते हैं बीजेपी के ये बीजेपी मोदी जी सभी को पता है कि डिफेंस सबसे क्रिटिकल है डिफेंस गया तो सब गया तभी तो उन्होंने अब ऐड किया ना क्या था वो जय किसान जय जवान जय विधान उन्होंने अनुसंधान क्रिटिकल है अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट बैठ के अपने घर में बैठे और चीजें इधर उधर देखें आपको पता लगेगा हर चीज आप दीवार देख रहे हैं प्लास्टर बोल रहे प्लास्टर भी होगा वो चेंजेस ला रहे हैं छोटी छोटी चीज भी टेबल देखे टेबल का मतलब जो भी चीज आप देखोगे इस टाइप के टेबल ये इवेंचुअली बहुत सारी चीजें आप बोलते हैं अच्छा ट्रेन है ट्रेन भी उन्होंने बनाई है तो एयरप्लेन एयरप्लेन उन्होंने बनाया कहां तक जाए तो वही तो अब मोदी जी उसको चेंज कर रहे हैं तभी तो न्यू स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रहे हैं कि तुम करो तुम दे बनाओ, दे बनाओ तुम करो डीआरडीओ इतनी अच्छी काम कर रहा है यंगस्टर्स को आईआईटी वाले देखो अब कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं हमने सुना था कि अयोध्या की जो नीचे मिट्टी है वो इतनी गड़बड़ थी आई वालों ने ऐसी मिट्टी बनाई कि भैया उसको डालो वो ऐसी स्ट्रोंग पत्थर जैसी हो जाती है और उसके ऊपर ये पूरा ये मिट्टी जगह जगह एक्सपोर्ट होगी बोलेंगे इंडिया की मिट्टी है तब मजा आएगा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतने सालों से जब कुछ नहीं हुआ तो अब धीरे धीरे आपको दिखेगा तो चलो यार अब शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए